नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमन और आदित्य हत्याकांड का मुंगेर पुलिस ने किया खुलासा। आपसी रंजिश को लेकर हुई थी हत्या, 3 अपराधी गिरफ्तार। भागलपुर में संदिग्ध हालत में हुई व्यवसायी की मौत। पुलिस के पहुंचने से पहले ही परिजनों ने किया अंतिम संस्कार। कोशी एवं गंगा के जलस्तर में वृद्धि से ग्रामीणों में दहशत। देखते ही देखते नदी में विलीन हुआ विद्यालय। डीएमबीयू के सभी अधिकारी और कर्मियों ने दी कोरोना को मात। अगस्त के पहले सप्ताह में खुल सकता है विश्वविद्यालय। और जिले में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। एक साथ मिले 81 नए पॉजिटिव मरीज, 30 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। मुंगेर तारापुर थाना क्षेत्र के परभरा गांव से अपहृत हुए अमन और आदित्य की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुंगेर एसपी लिपि सिंह ने बताया कि अमन कुमार और आदित्य कुमार को 17 जुलाई को उसके ही गांव के कुछ लोग धोखे से बुलाकर ले गए और शराब पिलाने के बाद हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया था। एसपी ने कहा कि हत्याकांड के उद्भेदन के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद टीम में शामिल पुलिस अधिकारियों ने छापेमारी कर गांव के ही अंबुज यादव को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी निशानदेही पर हत्याकांड का मास्टरमाइंड ऋषभ कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि गांव में आपसी विवाद को लेकर विकास सिंह और राम सिंह ने हत्या की साजिश रची थी। गौरतलब हो कि गुरुवार की सुबह सुल्तानगंज के तिलकपुर बहियार से आदित्य का शव बरामद हुआ था, लेकिन अमन का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए अपराधियों से पूछताछ में जुटी है। तारापुर थाना में 17 जुलाई को 2 युवकों के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मामला काफी संवेदनशील था, इस आलोक में तुरंत ही एक टीम का गठन किया गया, जिसमें जिला सूचना इकाई के शैलेश कुमार, संग्रामपुर थानाध्यक्ष, असरगंज थानाध्यक्ष एवं तारापुर थानाध्यक्ष का टीम को गठन किया गया। मामले की छानबीन करते हुए और सारे बिंदुओं को देखते हुए अभी इस चीज़ का खुलासा हुआ कि उन दोनों युवकों की हत्या हो गई और उन जो हत्या करने वाले हैं उसमें से 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से प्रमुख अंबुज यादव, रुस्तम यादव और ऋषि सिंह हैं। एक अन्य से पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि इसमें से 3-4 लोग और भी शामिल हैं। जल्दी ही पुलिस इन लोगों को अरेस्ट करके त्वरित कार्रवाई करेगी। ये भी है कि इस मामले को एक अलग लॉ एंड ऑर्डर का एक पिक्चर दिया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उद्भेदन भी किया, साथ में अरेस्टिंग भी की गई और जो बचे हुए हैं उनको भी जल्दी से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। भागलपुर में इन दिनों आत्महत्या का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को तिलका मांझी थाना क्षेत्र के मुंदीचक स्थित राधा देवी लेन निवासी प्रेम कुमार नामक युवक ने अपनी यह लीला समाप्त कर ली। घटना को लेकर मृतक की पत्नी निधि ने बताया कि उसके पति चाउमीन का कारोबार करते थे और कोरोना काल में इनके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ गया था, जिसके कारण ये बीते कुछ दिनों से मानसिक तनाव में थे। गुरुवार की दोपहर देवर प्रीतम ने बताया कि वे अपने गोदाम में मूर्छित पड़े थे, जिसके बाद उन्हें उठाकर लाया गया। निधि ने बताया कि देवर ने ही पति के आत्महत्या करने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले उसकी शादी प्रेम के साथ हुई थी, जिससे एक बेटी भी है। घटना के बाद परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए प्रेम के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही देर रात तिलका मांझी पुलिस मृतक के घर पहुंची और परिजनों पर शव वापस लाने का दबाव बनाया। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इन मामले में क्या कार्रवाई करती है। खाली प्रेशर था, ये लॉकडाउन के चलते कैसे चलेगा, क्या तो बिजनेस में घाटा उठा लगा था क्या? नहीं, कुछ कर्ज भी था। तो क्या क्या सुसाइड कर लिए हैं? नहीं, कुछ नहीं बता सकते। नहीं नहीं, आखिर आप लोग देखे तो होंगे ना, जिस किस अवस्था में देखे उसको? हम और मेरे देवर गए हैं खोजने के लिए। हम सिर्फ हल्ला किए हैं, नहीं है कहाँ है, फोन रिसीव नहीं कर। हम नाश्ता के लिए सबको चाय दिए हैं। अच्छा, फोन कर रहे हैं कि आप भी आइए चाय, रोज पूछते हैं 4 बजे चाय, नहीं फोन उठा रहे। तो कहाँ मिले हो? वो गोदाम में मिले। गोदाम में किस अवस्था में थे वो? मेरे देवर के हाथ। कोशी एवं गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से जिले के कई तटबंधों पर पानी का दबाव काफी बढ़ गया है, जिसके कारण कई प्रखंडों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ग्रामीण अपना घर खाली कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। वहीं बिहपुर और खरीक में कोशी का रौद्र रूप देखने मिल रहा है।
दोनों प्रखंड के कई गांव में तेज कटाव हो रहा है। गुरुवार को बीहपुर के कहारपुर गांव स्थित उत्क्रमित हाई स्कूल का भवन देखते ही देखते गंगा के तेज धार में समा गया। स्कूल के गंगा में समा जाने से यहां पढ़ने वाले सैकड़ों छात्रों का भविष्य अंधकार में डूब गया है। ग्रामीण राममिलन सिंह ने बताया कि गांव के ही कन्हैया सिंह, चितरंजन सिंह, मनीष सिंह, रंजन सिंह सहित दर्जनों लोगों के घर कटाव के मुहाने पर पहुंच चुके हैं, जो किसी भी समय गंगा में समा सकते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि कटाव पीड़ित खुले आसमान के नीचे रहने को विवश हैं। वहीं प्रशासन द्वारा अब तक किसी प्रकार की कोई सुविधा पीड़ित परिवारों को नहीं दी गई है, जिसके कारण ग्रामीण भी काफी आक्रोशित हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 5 अधिकारी और एक दर्जन से अधिक कर्मियों ने कोरोना को मात दे दी है। COVID-19 से संक्रमित TMBU के अधिकारी एवं कर्मी अब आरोग्य सेतु ऐप पर निगेटिव दिखाए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय के PRO डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि सभी संक्रमित अधिकारी और कर्मी के स्वास्थ्य में अब तेजी से सुधार हो रहा है। साथ ही PRO ने बताया कि क्वारंटीन अवधि पूरा होने के बाद आरोग्य सेतु ऐप को स्वास्थ्य विभाग ने अपडेट कर दिया है, जिसमें विश्वविद्यालय का कोई भी अधिकारी और कर्मचारी संक्रमित नहीं दिख रहा है। डॉक्टर दिनकर ने कहा कि नए गाइडलाइंस के अनुसार अगस्त माह के पहले सप्ताह में TMBU कैंपस कंटेनमेंट जोन से मुक्त हो जाएगा, जिसके बाद सभी कर्मी और अधिकारी विश्वविद्यालय के कामकाज में जुट जाएंगे। हम आपको बता दें कि तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद विश्वविद्यालय के 3 वरीय अधिकारी, 1 कॉलेज के प्राचार्य और 16 कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन आने वाले सभी लोगों में हड़कंप मच गया था। वहीं जिला प्रशासन ने इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए विश्वविद्यालय कैंपस को 28 दिनों के लिए सील कर दिया, जिसकी अवधि 3 अगस्त को पूरी हो जाएगी। भागलपुर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। शुक्रवार को जिले में 81 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। अब तक जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2042 तक पहुंच चुकी है, जिसमें 30 पॉजिटिव कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। वहीं 940 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर वापिस जा चुके हैं। अभी जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 1072 है। चिंता की बात यह है कि कोरोना संक्रमित मरीजों का प्रतिशत काफी बढ़ गया है। अब तक के आंकड़े के मुताबिक प्रत्येक 100 व्यक्ति में 33 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। पिछले 11 दिनों की बात करें तो जिले में कुल 2750 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें 860 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। इस प्रकार से 100 में से लगभग 30 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो आने वाले 2 महीने और भी भयावह होंगे। भागलपुर के लिए चिंता की बात यह है कि बिहार में आबादी के मामले में 15वें स्थान पर रहने के बावजूद कोरोना मरीजों के मामले में यह सूबे में 2 नंबर पर बरकरार है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में EEG, ECT एवं MBT के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे AC, non-AC, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन CT स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। डॉक्टर शशिकर MD,
रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी MRI स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा, डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच, डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG, अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड के तिनपुलिया में विधायक निधि से 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिसको लेकर संवेदक द्वारा 1 माह पूर्व सड़क निर्माण के लिए शिलापट लगाया गया है, जिसमें 21 लाख की लागत से 1 किलोमीटर सड़क बनाया जाएगा। वहीं शिलापट लगाए जाने के बाद से ही ग्रामीणों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने कहा कि पूर्व में बनी हुई सड़क अभी ठीक है, सरकारी राशि गबन करने के लिए ही यह योजना बनाई गई है, जिससे गरीब जनता की गाड़ी कमाई को लूटा जा सके। पूरे मामले को लेकर खिरीबांध पंचायत के मुखिया अजय कुमार राय ने कहा कि बिना कार्य किए ही शिलान्यास बोर्ड में कार्य को संपन्न दिखाया गया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। वहीं जब नाथनगर विधायक लक्ष्मीकांत मंडल से बात की गई तो उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कुछ भी बताने से फिलहाल इनकार कर दिया। रोड का देखिए, हम इस पंचायत का मुखिया है और जो है ये 12-10 साल पहले रोड बना चुके हैं, जिस समय MP था सुबोधरा। ने रोड तो इतना मजबूत बना दिए हैं सुबोधरा कि अभी तक क्या, अभी 5-10 साल और चलेगा जी। और जब देखते हैं कि बोर्ड लक्ष्मी बाबू लगाए हैं, हाँ। जहां रोड बनाने का काम होना चाहिए वहां रोड बनाया नहीं, जहां रोड पूर्ण तरह से ठीक है वहीं रोड बनाने का काम कर रहा है। प्लेट नेम प्लेट लगा रहा था तो मिस्त्री और लेबर से पूछे तो वो बोला कि ये शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन होगा और ये कालीकरण होगा 2-4 दिन के अंदर। लेकिन आज 20 दिन से ज़्यादा हो गया है, कुछ नहीं हुआ है। अब कहाँ घोटाला है, कहाँ गमन है, हम लोग सब आम जनता ग्रामीण लोग परेशान है इससे कि ये सरकारी पैसा आम जनता का पैसा होता है, इसको लूटा जा रहा है कि क्या सही बात है। कह रहे हैं कि यहाँ जबकि रोड पक्की बना हुआ है उस पर भी अलकतरा पिचिंग का दिया है, जहाँ रोड नहीं बना हुआ वहाँ पर रोड तो नहीं बना रहा है। मेरे गाँव में अभी शायद नाला नहीं है, नाला नहीं बना रहा है। यहाँ बिना रोड बनाए हुए पैसा उठा लिया, क्या किया वो लोग सरकार जाने। बांका अमरपुर में बीते एक सप्ताह के दौरान एक ही परिवार के 3 सदस्यों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक के परिजनों ने बताया कि घर में कुल 15 सदस्य हैं, जिन्हें खांसी सर्दी की शिकायत थी, जिसके बाद सभी लोग अपना कोरोना जांच कराने अमरपुर अस्पताल गए, लेकिन किसी की जांच नहीं हुई, जिसके बाद सभी लोग घर में ही क्वारंटाइन हो गए। तभी एक सप्ताह के दौरान एक एक कर परिवार के 3 सदस्य की मौत हो गई। वहीं शुक्रवार को कार्यपालक पदाधिकारी नीलम श्वेता, CO और BDO मौके पर पहुंचे और बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही पूरे इलाके को सैनिटाइज कराते हुए सील कर दिया। भागलपुर स्मार्ट सिटी की ओर से तिलकामांझी चौक पर लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल पिछले 20 दिनों से खराब हैं, लेकिन इसे ठीक कराने की पहल ना तो स्मार्ट सिटी ने की और न ही नगर निगम ने। सिग्नल ठीक नहीं होने के कारण ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो गई है। स्मार्ट सिटी के अधिकारी ने बताया कि सिग्नल मेंटेनेंस का कार्य निगम को करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मार्ग से प्रतिदिन शहर के वरीय अधिकारी की गाड़ी गुजरती है, लेकिन कोई उसे ठीक कराने की जहमत नहीं उठा रहा है, जिसके कारण ट्रैफिक पुलिस मैनुअल तरीके से यातायात व्यवस्था संभाल रहे हैं। बांका रजौन के तिलकपुर पंचायत स्थित खिरजान गाँव के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। गांव में सड़क निर्माण की मांग को लेकर महादलित टोला के लोगों ने कई बार क्षेत्र के विधायक और मुखिया को आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीण इंद्रदेव कुमार और विकास कुमार ने बताया कि सरकार महादलित के उत्थान की बात करती है, लेकिन धरातल पर इसका कोई लाभ आज तक नहीं मिला है। सुरक्षित सीट रहने के बाद भी महादलित इलाके के लोग पक्की सड़क के लिए तरस रहे हैं। बारिश के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है।
इस दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र के विधायक और मुखिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विधानसभा चुनाव में वोट नहीं डालने की बात कही। बांका फुलीडुमर थाना से सटे प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित प्रधानमंत्री आवास कार्यालय से गुरुवार की रात अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर 50,000 की सामान समेत आवश्यक कागजातों की चोरी कर पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। शुक्रवार की सुबह कार्यपालक सहायक प्रदीप कुमार पंडित कार्यालय पहुंचे तो कमरे से प्रिंटर सहित कई सामान गायब था, जिसके बाद घटना की जानकारी लेखपाल पंकज कुमार निराला को दी, जिसके बाद वीडियो विकास कुमार के आवेदन पर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। वहीं थानाध्यक्ष सफदर अली ने बताया कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामला है कि हम यहाँ पे कार्यरत है लेखापाल इंद्रावास का, जिससे हम अभी ऑफिस आए। इसके पहले मेरे कार्यपालक सहायक आए थे, जिन्होंने जब ताला खोला ऑफिस का, उसमें से सामान वगैरह जो है चोरी हो गया, जिसमें से मॉनिटर है, इन्वर्टर का बैटरा है, प्रिंटर है। कार्यालय खोले अभी, कार्यालय हम कार्यपालक सहायक है प्रदीप कुमार पंडित, फुलीडुमर प्रखंड, प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यालय में काम करते हैं। और जब अभी आए हम, आने के बाद देखते हैं करियर खोले, चाबी हम खोले हैं अपने से, तो देखते हैं इन्वर्टर ऑन करने के लिए गए तो वहाँ देखते हैं नीचे बैटरी नहीं है, फिर बगल में जैसे घूम के देखते हैं तो वहाँ पे भी सीपीयू नहीं है, मॉनिटर, और इस तरफ घूमे तो प्रिंटर और मॉनिटर भी नहीं है। और अंत में चलते चलते एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमन और आदित्य हत्याकांड का मुंगेर पुलिस ने किया खुलासा, आपसी रंजिश को लेकर हुई थी हत्या, 3 अपराधी गिरफ्तार। भागलपुर में संदिग्ध हालत में हुई व्यवसायी की मौत, पुलिस के पहुंचने से पहले ही परिजनों ने किया अंतिम संस्कार। कोशी एवं गंगा के जलस्तर में वृद्धि से ग्रामीणों में दहशत, देखते ही देखते नदी में विलीन हुआ विद्यालय। डीएमबीयू के सभी अधिकारी और कर्मियों ने दी कोरोना को मात, अगस्त के पहले सप्ताह में खुल सकता है विश्वविद्यालय। और जिले में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, एक साथ मिले 81 नए पॉजिटिव मरीज, 30 लोगों की हुई मौत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।